कोर्ट देख रहे हो, कहीं खो जाने का मन करता है, किसी लड़की के साथ बोट में खो जाऊं और कहो ना प्यार है कि तरह किसी और आइलैंड पे पहुंच जाऊं। What's up everybody, welcome back to the channel। इस वक्त हम हैं सागर आइलैंड पे। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल के साइड में ही है और वेस्ट बंगाल में ही आता है, तो बहुत छोटा सा आइलैंड है। इसका लेंथ एंड ब्रेथ आपको 35 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 7 किलोमीटर्स इन ब्रेथ अभी है, लेकिन आज से एक डेकेड पहले ये 47 किलोमीटर लंबा था और 9 किलोमीटर्स वेट था इसका। तो 10 सालों में कितना फ़र्क आया है ये आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है आइलैंड। और नज़ारों की बात करें तो नज़ारा कुछ ऐसा है मेरे चारों तरफ का, ये देख रहे हैं समंदर की लहर, पीछे कुछ काम चल रहा है वो सागर मेले के लिए हो रहा है। गंगा सागर मेला होता है हर साल मकर संक्रांति के टाइम पे, जो कि बहुत भव्य मेला होता है। और ये एक पिलग्रिमेज का जगह है, तो यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं मकर संक्रांति के टाइम और इसे बहुत शुद्ध माना जाता है। गंगा सागर स्नान के बारे में ये कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर लाइफ में एक बार। ऐसा लाइफ में तो है नहीं लेकिन मैंने बोल दिया, गंगा सागर एक बार ही होता है, तो सारे तीर्थ बार बार कर लेना, गंगा सागर एक बार ही ज़रूर आना लाइफ में। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं आया हूँ अपने काम के लिए। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इवेंट्स करता हूँ और गंगा सागर एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट करवाती है, तो उसके लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। अभी काम से ही आया हूँ, पर जगह इतनी खूबसूरत है कि रुक नहीं सका आप लोगों को दिखाने से। ये समंदर की लहरें और ये सी जो है आपको मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये बे ऑफ बंगाल है। बात करें इस आइलैंड की तो ये तीन तरफ से गंगा रिवर से घिरा है और एक साइड इसके बे ऑफ बंगाल है, यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके आगे सिर्फ बे ऑफ बंगाल है, यानी सी सी है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और अगर आप आगे चलते जाओगे तो किसी और कंट्री पहुँच जाओगे, ये भी तय है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो गंगा रिवर का एंड पॉइंट है, तो गंगा रिवर यहीं आके ख़त्म होती है बे ऑफ बंगाल में। गंगोत्री से निकलते हुए कलकत्ता होते हुए ये यहाँ पे गंगा सागर के अंदर मिल जाती है, इसलिए इसे शाही स्नान कहा गया है। जितनी लहर है गंगा की है तो गंगा का पानी है, इसलिए इसे गंगा स्नान बहुत शाही स्नान माना जाता है। और अभी अभी सनराइज़ हुआ है तो सनशाइन बहुत ही प्यारा है अभी, और सनसेट भी यहाँ का बहुत ही प्यारा होता है। कुछ उधर जाके सनसेट होता है, लेफ्ट से सन निकलता है और राइट में जाके अगर इस समंदर का पानी आप देखोगे तो ये मटमैला दिखेगा आपको, यानी इसके अंदर मिट्टी दिखेगी, ये साफ़ नहीं दिखेगा आपको। वो इसलिए है क्योंकि सी वेव्स गंगा के पानी को ही वापस किनारे पे ला रही है और वापस अपने अंदर समेट रही है। ये देखिए पानी कितना मटमैला है, और ये इस वजह से कि यानी हमारे लेफ्ट से भी गंगा नदी है, हमारे राइट से भी गंगा नदी है, और ये सामने बे ऑफ बंगाल। और अभी अभी कुछ दिनों पहले बारिश के टाइम पे यश तूफान आया था, ओए होए होए क्या बताऊँ, क्या कहर मचाई है उसने यहाँ पे। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे तक, 2-3 किलोमीटर आगे तक पानी गया था इसका, समंदर का, और क्या तबाही मचाई है इस गंगा के पानी ने, पूछो मत। मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सारी जो यहाँ पे बाउंड्रीज है सब टूट गई थी, बहुत ही गजब का तूफान आया था। और पूरे देश से यहाँ लोग स्नान करने आते हैं, नागा साधुस भी यहाँ आएंगे और वो सब दिखाएंगे आपको, लेकिन मेले के टाइम पे, जिसमें अभी पूरा एक महीना 1.5 महीना बचा है, तो अभी इसे इसका प्रिपरेशन चल रहा है इसलिए हम यहाँ हैं। और अभी 1.5 महीने के लिए इसी आइलैंड पे हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा सागर के टाइम पे ही लोग यहाँ नहाने आते हैं, पूरे साल यहाँ नहाते रहते हैं। जैसे मेरे पीछे आप देखोगे तो वहाँ पे लोग अभी भी नहा ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम को, मकर संक्रांति के टाइम को बहुत ही शुद्ध माना गया है, परफेक्ट माना गया है इस स्नान के लिए, क्योंकि यहाँ मेले का अरेंजमेंट होता है, देखने लायक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ये पल भी देखो जब यहाँ कुछ भी नहीं है, और वो पल भी दिखाएंगे जब यहाँ पे लोगों की भीड़ इतनी होगी कि कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। और वो बोट देख रहे हो, कहीं खो जाने का मन करता है, किसी लड़की के साथ बोट में खो जाऊं
और कहो ना प्यार है कि कितना किसी और आइलैंड पे पहुंच जाओ, यहाँ तो बहुत लोग रहते हैं। इस छोटे से आइलैंड पे पॉपुलेशन 3 लाख है और यहाँ का टूरिज्म 0, यानी 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि साल में एक बारी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन पूरे साल यहाँ बाकी दिनों पे कोई नहीं आता। हालांकि इस आइलैंड पे वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो आपको नॉर्मल लाइफ में या फिर नॉर्मल जगहों पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ बूढ़ों बूढ़ों में प्यार है, बच्चे बूढ़ों में प्यार है, बच्चे जवान के अंदर प्यार है, वो वाला प्यार नहीं। हाँ, सुबह चिड़ियों की चहचहाट है, रात को जुगनुओं की आवाज़ है, और सब कुछ है जो आपको एक परफेक्ट वैकेशन के लिए चाहिए होता है। और यहाँ स्लीपर्स में ही आना अगर आप आते हो तो, या मे बी खाली पैर आना, क्योंकि जूतों में आओगे पानी में जाने का मन करेगा, नहीं जा पाओगे। विंड मिल भी है यहाँ पे, क्या प्यारा लग रहा है विंड मिल, ऐसा सो का लग रहा है, पर वो काम की चीज़ है, यहाँ वो काम आता है। मन कर रहा है कि ऐसा ही मैं भी किसी के लिए गाना गाता। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। अगर किसी को प्यार है तो आओ इस बोट में भाग चलें, इसी बोट में भागेंगे, चप्पू भी है, दोनों चलाएंगे, दाना पानी का कुछ देख लेंगे, इसी आइलैंड से कुछ उठा लेंगे और घूमते चलेंगे फिर। और ये देखो, ये सामने जो 3 पिलर्स का आपको मंदिर दिख रहा है, यही यहाँ का मेन मंदिर है। ये जो आपको रोड दिख रहा है, ये सीधा आपको सी के पास जाता है, और यही यहाँ का मंदिर है। ये जो पूरा रास्ता आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके पूरा सी तक का, ये आपको जैम पैक पूरा नज़र आएगा स्नान के टाइम पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और मंदिर का जो सामने का फ्रंट है वो सी को फेस करता है, और ये पूरा रास्ता ही नहीं बल्कि ये पूरा आइलैंड ही जैम पैक होता है। लोग रास्ते पे भी सोते हैं, वो आपको दिखाऊंगा मैं कभी जब वो टाइम आएगा। और ये कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको पूजा के सामान, पूजा का प्रसाद सब कुछ मिलता है। और ये कुछ शॉप वाले हैं जो बाहर आके आपको बुलाएंगे और प्रसाद देते हैं, जिनको पता नहीं होता है उनको बुलाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे प्रसाद मिलता है। और ये मेन मंदिर का प्रांगण है, यहाँ गंगा स्नान करने के बाद इसी सामने से जस्ट लोग आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं और फिर स्नान कंप्लीट होता है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ आपको कि क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ सामने मंदिर है और ये बगल में ही सारे आपको दुकानें मिल जाएंगी प्रसाद की। ये देखिए गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 से मैं एंटर कर रहा हूँ। ये सामने घुसते ही आपको सारी दुकानें मिलेंगी, यहाँ पे ब्लॉक A है ये, और ये सारी दुकानें हैं यहाँ पे। और मैं सागर से अभी करीब 1.5 किलोमीटर आ चुका हूँ आगे तक, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे आगे। और ये सारा कुछ यश तूफान की वजह से हुआ था, ये सारा कुछ टूट गया था, तो इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अभी, क्योंकि मेले में बहुत सारे लोग आएंगे और खूबसूरती ज़रूरी है जगह की, ताकि यहाँ का टूरिज्म बढ़ सके। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये सब करवा रही है। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। गूगल पे तो बता रहा है 4 किलोमीटर। 4.1 किलोमीटर ऐसे ही होगा, तो कंफ्यूजन था। तो गाइस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमसे लाइट हाउस है, वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ का सनसेट और सनराइज़ बहुत ही फेमस है, तो अभी हम सनसेट देखने जा रहे हैं, क्योंकि सनराइज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी सनसेट देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। मेरा, 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 मेरा,
गाइस लाइट हाउस के पास अब हम आ चुके हैं और वो सामने रहा लाइट हाउस का टॉप दिख रहा है कहीं पे वहाँ, और लाइट हाउस के जस्ट सामने ये समंदर का बीच दिख रहा है आपको पूरा। यहाँ के लोगों के पास पैसा कम है लेकिन दिल का सुकून बहुत है। कुछ लोगों को छोड़ के हमारे भाई की तरह बहुत लोग अमीर नहीं है यहाँ पे, ये करोड़पति हैं यहाँ के, तो लोगों में सुकून बहुत है और बहुत कम में खुश हैं यहाँ के लोग। इन लोगों को ज़्यादा की उम्मीद होती नहीं है, कम में गुजारा करते हैं और खुश रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। और लाइफ में खुश रहने का सबसे बड़ा फंडा ही यही है कि इंसान को खुश होना चाहिए, कैसे भी खुश रहना चाहिए। जितनी आप उम्मीदें रखोगे लाइफ से उतना ज़्यादा ही आपको हर्ट होएगा अंदर से। बच्चा लोग तो टैलेंटेड है, टैलेंटेड। भाग भाग भाग, जल्दी भाग, पकड़ बॉल। नहीं पकड़ेंगा। पानी से करीब वहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर का है और ये पानी रात को पूरा वहाँ तक आएगा। उधर का एक केकड़ा फेमस है। कौन सा? वो लाल केकड़ा। लाल वाला केकड़ा, उसको बोलते क्या है? जाओगे उधर? हाँ चलते हैं ना आगे वहाँ तक। ये बहुत मिलता है उधर। ये देखिए, ये रहा भाग रहा है। तो मिट्टी है यहाँ पे, लेकिन रेत नहीं है यहाँ, है ना? नीचे रेत है। ये भी रेत ही है लेकिन गीला होने की वजह से मिट्टी की तरफ हो गया ये। नहीं, थोड़ी बहुत मिट्टी है इधर। है? पोली है ना? हाँ, देख रहे हो गाइस, ये पानी पानी है इधर। तो चप्पल हाथ में, ऐसा कचरा भर गया चप्पल में, तो हाथ में उठा के उधर धोने को लेके जा रहे हैं क्योंकि इतनी दूर आए हैं कुछ देखने को, तो बिना देखे चले जाए तो फालतू है। और सनसेट जो है वो कुछ ऐसा हो रहा है। मेरा जाल उधर चला गया। अच्छा, वो वाला है। अच्छा, आगे निकल गया क्या? वो वाला है, वो पानी में जा रहा है, उसमें मछली आएगा। अभी निकालोगे क्या आप? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जाने वाला है, जाने दो अभी। ये दिख रहे हैं, ये सब केकड़े हैं, देख लो। और मैं जैसे ही पास जाऊंगा इसको देखो, अभी दिखाता हूँ इसके बारे में। ये देखो भाग गया अंदर। चलो इसको दिखाता हूँ कैसे जाएगा अभी अंदर। ये देखो, देख लो कैसे गायब हो जाएंगे सब के सब अभी। ये देखो, मैं इधर बढ़ूंगा और ये गायब, सब छिप जाएंगे। और वो दूर दूर तक केकड़े हैं, हर जगह। वो कुछ वहाँ पे घूम रहे हैं, उनको देखता हूँ मैं, शायद कोई पकड़ा जाए। यही है वो शैतान, देख लो। क्यों भाई, कहाँ घूम रहे हो? भागने की जगह नहीं मिली? हाँ भाई, क्या बात हो गई? कैसे घूम रहा बाहर भाई? हैं, 12-13 साल का जब था, हाँ। तब मेरा फ्रेंड, हाँ। दोनों मिल के, हाँ। केकड़ा मारने आते थे यहाँ पे, हाँ। नहीं है, मेरा बीच में। अच्छा, उधर आते थे। और एक बांस का टूटा एक लकड़ी लेते थे, हाँ। उसका एक साइड पे पिन, हाँ, देखा है मैंने वीडियो में, 4 पिन 5 पिन वाला होता है, ऐसा डंडे से निकालता है। 5 पिन लगा देते थे, नहीं 1 पिन लगा देते थे, एक पिन लगा देते थे और इसी तरह बैट की तरह, हॉकी के स्टिक की तरह, इसी तरह मारते थे। निकलता है उससे? निकलता मतलब वो तो सब ऊपर है ना, हाँ। बहुत जोर से दौड़ता है, हाँ। तो दौड़ने के बाद वो उसका जो केकड़ा जो होल है, हाँ। वो होल भूल जाता है। अच्छा, होल भूल जाता है, पूरा ढूंढ रहा है, उसको पीछे भाग रहा है, उसको मार रहा है यहाँ, इसी तरफ करते थे। फिर पकड़ा जाता है वो, फिर पकड़ा जाता ना, उसका हालत पूरा खराब कर देते थे। मैं क्या करता था पता है? मेरे यहाँ तो हम लोग के यहाँ वो ब्लैक वाला केकड़ा होता है, पोखर में जो होता है, तो उसमें हम लोग रस्सी बांध देते थे उसके आगे हाथ, मेरे मोटा वाले हाथ पे, और उसको छोड़ देते थे जा,
तो 20-25 मिनट बाद वापस को खींचते थे रस्सी, तो जहाँ भी छिपा रहता था पता चल जाता था कहाँ है। ऐसा मस्ती करते थे हम लोग केकड़े के साथ। लेकिन वो कम नहीं है, एक दो नहीं है, हर दिन 100 से ज्यादा मारते थे हम। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब तब भी कर देना। होप फॉर द बेस्ट, वेट फॉर द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद फ्रॉम सागर आइलैंड।